मोरे या मुराव भारत में पाए जाने वाला एक जाति समुदाय है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे मुराव, मुराव, मुराई, मोरी आदि। यह एक क्षत्रिय और कृषक जाति है। के चेट्टी के अनुसार मुराव पारंपरिक रूप से जमींदार थे। वर्तमान में इस समुदाय के ज्यादातर सदस्य जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इनमें से कई पशुपालन व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। इनमें से कई शिक्षा और रोजगार के आधुनिक अवसरों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां यह समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आइए जानते हैं मौर्य समाज का इतिहास, मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू विश्वकोश नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि इस समुदाय के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। सप्तखंडी जाति निर्णय भाग 2 नामक पुस्तक के अनुसार काछी, कोइरी और मुराव ये जातियां एक ही हैं। इसमें केवल नाम मात्र की ही भिन्नता है, इसलिए इन्हें एक ही समझा जाना चाहिए। मौर्यों में 232 गोत्र हैं, जिनमें प्रमुख है उत्तराहा, दक्षिणाहा, पछवाहा, पूर्विया, ढंकुलिया, ठाकुरिया, तनराहा, सक्तिया, भक्तिया, शक, सैनी, हल्दिया, प्रयागहा, भावदोरिया इत्यादि। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर इस समुदाय का नाम मौर्य पड़ा। समय के साथ इनके मूल नाम में कई परिवर्तन आया। इतिहासकार पंडित छोटेलाल शर्मा ने अपनी पुस्तक सप्तखंडी जाति निर्णय भाग 2 में कहा है कि सबसे पहले मौर्य शब्द परिवर्तित होकर मोरेवा हुआ। कालांतर में मोरेवा शब्द भाषा में बदलकर मोरियवा और मोरावा हो गया। फिर मोरावा से बदलकर मुराव रह गया, जो आजकल ज्यादा प्रचलन में है। सरकारी अधिकारियों ने इस जाति की विवेचना करते हुए इनके अलग अलग नाम लिखे हैं, जैसे मुराव, मुराव, मुराई, मोरी इत्यादि। इनकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है। इतिहासकार पंडित जेपी चौधरी और गंगा प्रसाद गुप्ता के अनुसार मौर्य मुराव मोरी एक क्षत्रिय जाति है, जो श्री राम के वंशज शाक्यों की उपशाखा है। वेस्लीन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर और दक्षिण एशिया विशेषकर भारत के इतिहास के विशेषज्ञ विलियम आर पिंच भी इस मत का समर्थन करते हैं। इनका इतिहास अत्यंत ही स्वर्णिम और गौरवशाली रहा है। इस समुदाय का संबंध मौर्य राजवंश से है। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने भारतवर्ष पर 137 वर्ष तक राज किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस राजवंश की स्थापना में चाणक्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस राजवंश में सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक महान आदि चक्रवर्ती राजा हुए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।